हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, हमारी लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए यूट्यूब पर ये सब्सक्राइब बटन के साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए। आप रेसिपी लाइक को इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, गूगल प्लस पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू, एंजॉय कीजिए इस रेसिपी को। तो शुरुआत करते हैं हम यहाँ पनीर से। हमने 400 ग्राम पनीर ली है, हमने ये फुल फैट क्रीम वाली पनीर ली है। इसे हम हाथों से अच्छी तरह तोड़ लेंगे, मसलना नहीं है। देखिए इस तरह तोड़ देना है, इसे छोटा छोटा कर देना है। अब हम एक नॉनस्टिक कढ़ाई ले लेते हैं, उसमें हम एक छोटा भरा हुआ चम्मच घी का डालेंगे। आप कोई भी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसी के साथ डाल दिया हमने अपना क्रम्बल किया हुआ पनीर, और साथ ही डाल दिया हमने 400 ग्राम कंडेंस्ड मिल्क और 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर, 1 छोटा चम्मच हरी इलायची का पाउडर। इस रेसिपी में खोया पड़ता है। ये जो घी, मिल्क पाउडर और कंडेंस मिल्क है, ये हमारी खोया की कमी को पूरा करता है। हम इसमें बिल्कुल भी चीनी नहीं डालेंगे, क्योंकि कंडेंस मिल्क और मिल्क पाउडर में काफी चीनी ऑलरेडी होती है। हमारा ये मिश्रण अब थोड़ा गाढ़ा होता जा रहा है, इसे हम ऐसे ही हिलाते हुए पकाते रहेंगे मीडियम आंच पर। करीब 15 मिनट से हम इसे कॉन्स्टेंटली हिलाते हुए पकाते जा रहे हैं, जैसे हम हलवा बनाते हैं। और देखिए इसका ऑलमोस्ट सारा पानी सूख गया है, ये साइड्स भी छोड़ने लगा है। जैसा आप अभी यहाँ देख पा रहे हैं, इसका कलर अभी तक व्हाइट है। कई कहते हैं जब इसे और पकाया जाए और ये ब्राउन हो जाए तभी ये कलाकंद कहलाता है, नहीं तो आप इसे मिल्क केक कह सकते हैं। अब गैस को ऑफ करने के बाद हम इसे ग्रीस बोर्ड में ट्रांसफर कर देंगे, और इसे लेवल करने के बाद इसे पिस्तौल से डेकोरेट कर लेंगे और फ्रिज में ढककर करीब 1 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। उसके बाद हम इसे काट लेंगे। आपका इस रेसिपी के बारे में क्या थॉट्स, क्या विचार है? ये वैसे कलाकंद है या मिल्क केक? मैं खुद कंफ्यूज हूँ। अगर आपको कुछ पता हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताइए। और अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक अगली रेसिपी के साथ। तब तक खुश रहिए, खाते रहिए, खिलाते रहिए। बाय एंड एन्जॉय।